कांग्रेसियों ने काम नहीं किया इसलिए एमआईएम पार्टी मैदान में आई। एमआईएम पार्टी को जनता का, मुसलमानों का, पिछड़ी हुई जातों का बहुत पाठिंबा मिला। अब ये बातें चलते रहती, बिहार के चुनाव आपने देख लिया, बिहार में इनको कितने सीट मिले, इनका क्या काम है और पूरे हिंदुस्तान में क्या इनकी हैसियत है। इंशाल्लाह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। अब इनके भपकियाँ हैं, इनके अपने ऊंचे ख्यालात हैं, फूल्स पैराडाइज में रहने की बात है, अहमकों की जन्नत में है। अभी भी हकीकत समझ में नहीं आ गई कि 70 साल में तुमने कुछ काम नहीं किया। इसी के लोगों ने एमआईएम को मुतबादिर के तौर पर, विकल्प के तौर पर कबूल किया है। बाला साहब थोरात की बातों का फाइनल मामला कॉरपोरेशन चुनाव इसके बाद समझ में आएगा। दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा और ये दिख के आएगा कि बाला साहब थोरात या कांग्रेस पार्टी अहमकों की जन्नत में रहती है। दूसरा सवाल यह है मेरा डॉक्टर साहब, जो शहर का नाम का बदलाव का चल रहा है, नाम विस्तार का, इसके लिए भी कांग्रेस ने विरोध किया है और आप भी विरोध कर रहे हैं, दोनों की सोच तो एक हो रही है, क्या हो सकता है भविष्य में एक साथ आएंगे? देखो भाई, हमने मैदान में इसलिए आया कि मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ दिला सकें, सत्ता में सहभाग कर सकें, हकीकी तौर पे हुकूमत के फायदे उन तक पहुंच सकें। कांग्रेस ने काम नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो शिवसेना के साथ माहिदा करके हुकूमत बना रहे हैं और इनकी जो चेहरा है वो एकदम वाजे है। कांग्रेस और एमआईएम के आने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्यों तो उनकी सोच, उनके काम, हमारी सोच, हमारे काम में बहुत फ़र्क है। खैर, अगर इनको नेक तौफीक दे, क्या कहूँ मैं इनसे। अभी आगामी महापालिका जो निवडणूक है इसके लिए सभी पार्टियाँ तैयारियाँ कर रही है, तो क्या हो सकता है, क्या वंचित के साथ जाएगी एमआईएम? इसका फैसला हमारे पार्टी के जिम्मेदार करेंगे कि हमने कौन सी सियासी पार्टी से माहिदा करना है। मैं इस सिस्टम को नहीं कह सकता।